एक बार फिर से शानदार गेंद और उतनी अच्छी फील्डिंग यहां पर। वाइड थ्रो के जरिए एक रन मिलता हुआ और एक रन के साथ टोटल स्कोर जा पहुंचा है कुल 12 रनों के योग पे। चौथे ओवर की गेंदबाजी प्रगति पे है। एक बार फिर से वहीं पर गेंद को धकेल कर जब तक गेंद फील कर पाते एक रन और बनाने का मौका और इस एक एक रन के साथ टोटल स्कोर। एक बार फिर से अच्छी गेंद और उतनी अच्छी शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ टोटल स्कोर जा पहुंचा है कुल 17 रनों के योग पे। इस ओवर में अभी तक ज्यादा कुछ मौका मिला नहीं है बल्लेबाजों पर मौजूद और उनसे गेंद मिस होती हुई और इसके साथ ही 4 रन और इस चौके के साथ टोटल स्कोर जा पहुंचा है कुल 21 रनों के योग पे। तो बरेठी ने 4 ओवरों में 21 रन खर्चे हैं। अगर इस मुकाबले में 5 ओवर का है, 4 ओवर, 4 ओवर का ये मुकाबला हो रहा है, पहले सूचना दे दी गई थी। तो अगर बरेठी को यह मुकाबला जीतना है तो निर्धारित 4 ओवरों में 22 रन बनाने होंगे। तो भाई फील लग रहा है, तभी मैं पैसा लगाया हूँ और यदि आप जीतते हैं तो दूंगा, ये मेरा वादा है। नहीं अच्छा करिए, आपके उत्साह के लिए पुरस्कार रखा गया है, आपको मजबूत करने के लिए हमारी कमेटी यहाँ पर मौजूद। जाना होगा बाहर, क्या बात है। जी हाँ, और मैं बता दूं कि अभी तक इस टूर्नामेंट में जितने पैसे मैं लगाया हूं जिस पर, मेरा सारा पैसा चला गया है। अभी इसका दे दूंगा, नहीं लिया तो भैया मेरा पैसा चला जाएगा, ऐसी उम्मीद है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन, हालांकि खाता खुल चुका है पहले ही विकेट के रूप में। थोड़ा सा दबाव महसूस नहीं कर पा रही है बरेठी की टीम क्योंकि कम रन है, 24 गेंदे हैं, मात्र 21 रनों की आवश्यकता है। टारगेट बहुत कम खड़ा किया था राजा बाबू वहां पर, धीरे से, बहुत बढ़िया बैकअप होना चाहिए। इस तरीका का रिस्क आपको लेना होगा। एक बार फिर गजब की गेंदबाजी और उतनी ही अच्छी फील्डिंग। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर एक विकेट के नुकसान पर टोटल बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। गेंदबाज दूसरा ओवर प्रगति पर है, 6 रन बने हैं। इसी तरीके की गेंदबाजी करनी होगी यदि आपको 3500 रुपए का पुरस्कार लेना है तो। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप मुकाबले में बने रहते हैं तो हमारे दर्शक जो आए हैं उनका आना सार्थक हो जाएगा, मजा आ जाएगा उनको कि 20 रन के टारगेट को बिल्कुल दबा के रख दिया, चेस नहीं करने दिया बरेठी के दिग्गज बल्लेबाजों को। पूरे जौनपुर जिले के जितने भी दिग्गज बल्लेबाज होंगे सब बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ दूसरा सेमीफाइनल मैच और ये बोल्ड तो लो स्कोरिंग मैच है भले, लेकिन हाई वोल्टेज मैच आपको देखने को मिलेगा लो स्कोरिंग मैच का। इस बार गजब की गेंदबाजी, क्या बात है। दो ओवर की समाप्ति पर दो विकेट के नुकसान पर बरेठी का बढ़ता हुआ स्कोर मात्र 7 रन। अब 14 रन चाहिए 12 गेंदों में, 14 रन चाहिए 12 गेंदों में, ऊपर कम से कम अंक तो लगा दो। 1100 रुपया मेरी तरफ से, 2100 रुपया विकास मास्टर की तरफ से, तो टोटल तकरीबन 3500 रुपए के आसपास आपको सम्मानित किया जाएगा यदि आप इस मुकाबले को जीतते हैं तो। और यदि अंतिम गेट पर इस मुकाबले को आप हारते हैं तो 500 रुपया मेरी तरफ से, यदि अंतिम गेट पर हारते हैं तो। गेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन, तीसरा ओवर प्रगति पर है। तैयार गेंदबाज राजा बाबू के लिए, राजा बाबू खेल रहे वहां पर खिलाड़ी मौजूद। हमारे इनाम लगाने का मात्र एक ही उद्देश्य है, आए हैं इन सबको मजा आ जाए, आनंद मिल जाए बस। और गेंद निकल गए बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन, तो टोटल बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन, मात्र 5 रनों की आवश्यकता है। 6 रन, जी हाँ 6 रनों की आवश्यकता है, 16 बन चुके हैं, 21 का टारगेट है, 22 रन चाहिए आपको जीत के लिए, तो 6 रनों की आवश्यकता। यदि ये ओवर निकल जाता है तो हो सकता है अंतिम ओवर को बढ़िया गेंदबाज लेकर आ जाए, और अब चाहिए जीत के लिए 5 रन। 17 रन
बारिठी का बन चुका है, इसके बाद मुकाबला होगा फाइनल का। और दिशाहीन गेंदबाजी, व्हाइट बॉल। अब आगे गले गुरु जी, शानदार प्रदर्शन किया है अभी तक यहाँ पर बारिठी की टीम ने, एक बार फिर से शानदार अच्छी फील्डिंग यहाँ पर थर्ड मैन की दिशा में, जरूर 3 रन बचाए हैं इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए और अभी भी अपनी टीम को जीवित रखा है इस मुकाबले में। तो शानदार प्रदर्शन इस खिलाड़ी के द्वारा, एक बार फिर से शानदार शॉट वहां पर। हेलो, जब तक गेंद को फील्ड कर पाते, 2 रन बनाने का मौका, इस 2 रनों के साथ टोटल स्कोर क्या पहुंचा कुल 1 रन, माफ करिएगा 2 रन चाहिए भैया, 2 रन चाहिए, 2 रन बराबरी के लिए चाहिए, 1 रन टोटल हुआ है 20 रन। तीन रन चाहिए तो आखिरी ओवर में 3 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए परीक्षी की टीम को। एक बार फिर से गेंद को खेला थर्ड मैन की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड कर पाते 1 रन और बनाने जीतने के लिए। गेंदबाज तैयार, सामने होंगे राजा, देखना है गेंद को खेला है वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड कर पाते 1 रन और बनाने का मौका। और इसके साथ ही ये मैच टाई हो चुकी है, मात्र 1 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए परीक्षी की टीम को। और इसके साथ ही बॉल, और गुरु जी जैसा कि अभी यहां पर सूचना मिली थी कि सबसे लो स्कोरिंग मैच है, लेकिन सबसे टाइट मुकाबला भी देखने को मिल रहा है यहां। बिल्कुल लगता है कि आखिरी गेंद तक मुकाबला जाएगा, अगर आखिरी गेंद तक जाएगा तो 500 जाएगा, और अगर जीत जाती है तो 1 रनों की जरूरत है, अगर महाराजगंज जीत जाती है तो 3500 रुपए से सम्मान दिया जाएगा महाराजगंज की टीम को। जी हाँ, और यहाँ पर गेंद है बात, यानी आखिरी गेंद तक मुकाबला जरूर जाएगी। कई गेंदों पर हो, एक गेंदों में 2 गेंदे है अभी, मात्र 2 गेंदों में 1 रनों की आवश्यकता यहाँ पर बरेठी की टीम को। 2 गेंदों में 1 रन की आवश्यकता, जीतना हो तो इसी गेंद में जीत लेना भाई, गजब का, बहुत ही बढ़िया, और जाना होगा संभवतः आउट, जी हाँ बाहर जाना होगा। भैया मुकाबला अंतिम गेंद पर चला गया है, अगर ये गेंद आउट हो जाएगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मुकाबला महाराजगंज के खिलाड़ियों के द्वारा। अब बन चुके हैं, वैसे मेरा पूरा पैसा जा रहा है गोंटा के इस टूर्नामेंट में, जब जब लगाया हूं तब तक गया। तो भैया महाराजगंज का गेंदबाज यदि बोल्ड कर देता है तो उसकी टीम को 3500 रुपए से पुरस्कृत किया जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पर आखिरी गेंद में सिर्फ 1 रनों की आवश्यकता है यहाँ पर परीक्षी की टीम को। गेंद को खेला थर्ड मैन की दिशा में, 5 रन के बाहर 4 रनों के लिए। दोनों सेमीफाइनल का मुकाबला बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल टक्कर भरा मुकाबला। भाई परेठी के कैप्टन और बनारस के कैप्टन, बनारस के कैप्टन रोहित भैया, और जो टीम हारी है भैया महाराजगंज की टीम जाएगी नहीं भैया, आपके लिए भी पुरस्कार है। और अभी जो लास्ट गेंद में गेंदबाजी कर रहा था भैया, वो आए और अपना 500 रुपए का पुरस्कार ले जाए, जो लास्ट ओवर डाला था भैया, हालांकि मैं नहीं हूँ उसमें, मुझे सब दे दे भैया, 700 रुपए मुन्ना भाई की तरफ से उसे दे दिया जाए, 200 रुपया मास्टर साहब की तरफ से प्राप्त हो चुका है, 700-900 हो गया, और 200 रुपया गुरु जी की तरफ से था। ऊपर थर्ड के लिए अब एक ओवर का मैच होगा, थर्ड पोजीशन के लिए डमरुआ। जी हाँ, राजा जी भी आ गया लड़का, और कमेटी की तरफ से जो